हाय, वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। हम जल्दी से अपनी बात पे आ जाते हैं कि देवा, अमिताभ बच्चन, सुभाष जी, मतलब सुभाष घई, मुक्ता आर्ट्स, फिल्मिस्तान स्टूडियो और शूटिंग आगे बढ़ रही है। 1987, और अमित जी पार्लियामेंट से रिजाइन करके आ गए। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अपना पद छोड़ दिया और फुल टेंशन में यहाँ आए। और यहाँ इतनी बड़ी, जो उनके लिए भी ये बड़ी फिल्म थी, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया था, लेकिन सुभाष जी अभी रनिंग में बड़े डायरेक्टर थे, मतलब कामयाब डायरेक्टर थे। और वेरी वो क्रिएटिव, मतलब वो जानते हैं, मतलब सब कोई, हर कोई जानता है। तो अमित जी के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे ही 25 मेन शॉट पे आए तो अमित जी आके खड़े रहे और कहा कि क्या क्या करना है। तो सुभाष जी ने कहा कि देखिए, गाने का शॉट है और आप डाकू हैं, तो आप खुश हैं, मतलब खुश हो गए हैं। और उन्होंने सिचुएशन बताई, जो कहानी की बात है वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। तो तुम डांस करोगे इसके अंदर, बट यू आर डाकू, तो बीट पे डांस नहीं कर सकते, मतलब ऑफ बीट डांस करना है। तो सुभाष, अमित जी ने कहा ऐसे कैसे करना, ऑफ बीट कैसे हो सकता है डांस, तो तू करके दिखा। फिर कहा कि आप करके दिखाइए। तो सुभाष जी ने कहा ओके। तो एक पानी के गागर होती ना, जो वो गगरियाँ सुभाष जी के हाथ में थमा दी गई, जो अमित जी ने करना था। और टेंट लगा हुआ है, हाइड आउट है, पहाड़ी है और सेट है, मतलब। और सुभाष जी ने गागर उठाई और ऐसे लेके कहा म्यूजिक चलाओ। और वो गागर हाथ में लेके जो सुभाष जी ने खुद, वो जो मुझे लग रहा है 30 या 32 बीट, हाँ 32 बीट का या 40 बीट का म्यूजिक था, गाना नहीं था, बीट था, वो ऑफ बीट डांस करके दिखाया, ग्रेसफुल डांस, जो एक खूंखार डाकू कर रहा है, मतलब नौकर। नॉर्मल डांस नहीं है, नॉर्मल गाना नहीं है, जो अभी अभी तक अमित जी करते आ रहे हैं, तो या लोग करते हैं, कैरेक्टर के साथ जो जुड़े ऐसा डांस। क्या तालियां बजी, तालियां मतलब टू फॉर सुभाष जी तो डांस करके दिखाया उस पर। डांस मतलब मोमेंट थी। हाँ ओके, इट्स नॉट लाइक वो सब ने डांस, ये नहीं। तो फिर अमित जी के बारे, अमित जी ने वो लिया और टेरिफिक, मतलब वन शॉट वन टेक, ओके क्या किया, मतलब अमित जी, मतलब जादू, मतलब मैजिक, मतलब बदकिस्मत है कि आप लोग ये देख कभी नहीं देख पाएंगे, मतलब वो जो हो गया वो बंद होके। मैं वो बात अभी क्यों कर रहा हूँ ना, इतना ही कह रहा हूँ कि मैंने देख लिया, मतलब उन लोगों वहाँ जो थे, उन लोगों को वो, जिसे चरिश्मा कहते हैं अमित जी का, सुभाष जी का, वो देखने मिला और अच्छा हुआ, मतलब। और अमित जी थोड़े टेंस रहते थे सेट पे, और घुलते मिलते नहीं थे। मेरे साथ एक दो इंटरेक्शन हुए, बट ऐसा नहीं कि कभी मैं जाके कहूँगा तो मुझे याद पहचान लगे, नहीं ऐसा नहीं। उनका मैंने कहा ना कि अजीब उनका टेंशन चल रहा था जिंदगी का, मतलब। बट हमारे शॉट, ये वहाँ हीरोइन की एंट्री इसमें आनी बाकी थी, हमारी हीरोइन नई लड़की माधुरी दीक्षित, उसका शॉट होना था एक्चुअल लोकेशन में, जहाँ पर वाटरफॉल है और एक्चुअल जंगल है, एक्चुअल पहाड़ी है, और एक्चुअल सिचुएशन में किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो सुभाष जी ने वो बहुत अच्छी तरह इमेज किया था, और वहाँ पे शूटिंग होनी थी, तो ये कहा कि ये एक्चुअल लोकेशन पे करेंगे, सेट पे जो होना था हो गया। और देवा की शूटिंग वहाँ पर स्टॉप की गई, और दूसरे दिन से 1 महीने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्राइक थी, लॉकडाउन था,
गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ कोई शूटिंग नहीं होनी थी, इसीलिए सुबह जी बहुत उस दिन वो एक्सटेंड भी किया थोड़ा। अमित जी शायद उनको अच्छा नहीं लगा, लोगों ने दिखाया नहीं, बट एक्सटेंड नहीं करते तो क्या करते, एक महीने तक तो रोक नहीं सकते थे, उसके बाद क्या होना वो भी पता नहीं था। तो 30 जून को, हाँ या 30 जून को शूटिंग स्टॉप हुई और डिक्लेयर हुआ कि एक महीने के बाद फिर शूटिंग करेंगे और एक ब्रेक लिया गया, हम लोग भी ब्रेक लेंगे।